भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और गौरवशाली विरासत हमारी अमूल्य धरोहर है। हमारी यह चिरंतर शाश्वत विरासत 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रेरणा पुंज बने। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश संकल्पबद्ध प्रयास कर रहा है। आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है। आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विरासत भी विकास भी इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। हजारों वर्षों की हमारी विरासत का संरक्षण और संवर्धन करने में पिछले करीब 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। चाहे हमारी आस्था और विरासत के केंद्रों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास हो, या देश से बाहर चली गई बहुमूल्य प्रतिमाओं और कलाकृतियों को दुनिया के कोने कोने से भारत में सम्मान पूर्वक वापस लाने का महत्वपूर्ण कार्य हो, प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय से आज देश मानो आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम दौर का साक्षी बन रहा है। कर्नाटक अपने वैभवपूर्ण धार्मिक स्थलों, प्राचीन इतिहास, समृद्ध धरोहर, विभिन्न नृत्य शैलियों, समृद्ध साहित्य और संगीत के लिए जाना जाता है। यह राज्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को लगातार प्रगाढ़ करते हुए आज देश की विकास यात्रा का सशक्त भागीदार है। कर्नाटक में कई शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया और कई संरचनाओं का निर्माण करवाया। आज कर्नाटक शास्त्रीय संगीत विश्व भर में विशिष्ट स्थान रखता है। कर्नाटक शास्त्रीय लोक रंगमंच यक्षगान के लिए भी प्रसिद्ध है। कन्नड़ लेखकों को सर्वाधिक ज्ञानपीठ सम्मान मिले हैं। ज्ञानपीठ किसी भी भारतीय भाषा के लिए सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। कर्नाटक मठ और मंदिरों की आध्यात्मिक शक्ति से सिंचित भूमि है। डबल इंजन की सरकार इस विशिष्ट धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मंदिरों और मठों के जीर्णोद्धार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। हाल ही में कर्नाटक के बेलूर, हेलेबेड और सोमनाथपुरी के होयसला मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए भारत की ओर से नामांकित किया गया है। कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने में जिन विभूतियों ने योगदान दिए उनका भी सम्मान हो रहा है। इसी कड़ी में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विरासत को संरक्षित करने के इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली कर्नाटक संघ ने लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन जैसे अनेक समाजमुखी कार्यकलापों में संघ निरंतर प्रयासरत है। अपने 75 साल की अब तक की यात्रा में संघ ने देश की राजधानी दिल्ली में कन्नड़ भाषा कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार और दिल्ली कर्नाटक संघ द्वारा इसी दिशा में बारिसु कन्नडा डिंडिमवा का भव्य आयोजन कर्नाटक की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और संगीत को नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने का सशक्त मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत और वैभव को एक नए स्वरूप में लोगों तक पहुंचाएगा। बारिसु कन्नडा डिंडिमवा हर देशवासी को गर्व और प्रेरणा से भरने वाला साबित होगा।